बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जींद रैली को देखते हुए चरखी दादरी पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या से निपटा जा सके। आज चरखी दादरी शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर की मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। दादरी जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 पैरामिलिट्री की कंपनियों को लगाया गया है। आज सुबह लघु सचिवालय में सभी कंपनी को इकट्ठा कर चरखी दादरी SP हिमांशु गर्ग ने दिशा निर्देश दिए और उसके बाद फ्लैग मार्च निकाला गया। SP हिमांशु गर्ग ने फ्लैग मार्च निकालने का कारण बताते हुए कहा कि यह शहरवासियों को यकीन दिलाने के लिए निकाला जा रहा है, जिससे सभी को पता लग जाए कि शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और पुलिस किसी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। देखिए, हमारे पास जिले में पैरामिलिट्री की 4 कंपनीज हमें मिली हैं और उसको उन चारों कंपनीज को हमने अलग अलग जगह डिप्लॉय किया है। तो आज दादरी शहर के लिए जो हमने कंपनीज डिप्लॉय कर रखी हैं उनको लेकर के हम शहर में एक फ्लैग मार्च करेंगे। उस फ्लैग मार्च के 2 उद्देश्य हैं। एक तो ये है कि जो कानून पसंद व्यक्ति हैं पूरे शहर में, उनको ये भरोसा दिलाना कि उनकी सुरक्षा के लिए हम तैनात हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। दूसरा ये है कि जो शरारती तत्व हैं, जो अगर ये सोच रहे हैं कि हम कोई शरारत पैदा करेंगे, उनको ये आह्वान करना है कि ज़िले में बाहर से भी फोर्सेस आ चुकी हैं, पुलिस फोर्स भी मुस्तैद है। अगर वो किसी भी तरह की कानून को तोड़ेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। सर, जो अभी 1244 में लागू किए गए हैं, उसके बावजूद भी कई जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उसको किसको देखते हुए क्या? देखिए, 144 लागू की गई है इस रैली को ध्यान में रखते हुए और उसमें DC साहब ने हथियारों पे पाबंदी लगाई है, तो इसको पूरी कोशिश की जाएगी कि सख्ती से लागू किया जाए और अगर कोई शरारती तत्व इसको तोड़ता है तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।